ये उतारूंगा मैं टीवी। उसको अभी वो हो जाए ना फाइनल, अंदर का फाइनल हो जाए तो फिर मैं करवाता हूँ। हाँ कपिल जी, मैं कह रहा हूँ इसको जैसे डस्ट लगावा ना इस पर, डस्ट कपड़े साफ करो अच्छी तरीके से, के बाद पेंट कराओ। ये नहीं कि इसी पे पेंट कराओ, फिर बाद बाद निकल के बाहर आ जाएगा। मार रहे हो ना, ये फिर भी साफ होने नहीं। हेलो गाइस, तो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग कपिल रक्षा फैमिली ब्लॉग में एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अपना, और यहाँ पर रक्षा है रुमाल लपेट के खड़ी हुई है। इसको हो गया है एलर्जी, तो एलर्जी की इसको डस्ट से एलर्जी हो जाती है बहुत जल्दी, तो इसको अभी मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको डस्ट से, ये जो डस्ट उड़ती है ना, कोई भी डस्ट चाहे बाहर की हो, रोड पे हो, या कोई भी घर के अंदर, अभी हमारे वर्क वगैरह चल रहा है, वाइट वॉश वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से इसको हो गई है होल्ड हो गया, इसको एलर्जी हो गई है। अभी इसको दवाई की ज़रूरत है बेसिकली, तो उसको लेके जाएंगे हम डॉक्टर के पास और इसका इलाज करवाएंगे। और आज हो रही है थोड़ी सी बॉडी पेन, मुझे भी खुद को भी हो रहा है, क्योंकि घर के अंदर वर्क वगैरह चल रहा है, काफ़ी सारा काम इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे ऊपर, ये सारी चीज़ें चली रही है, तो रेस्ट मिल नहीं रहा प्रॉपर। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी है, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागना पड़ रहा है बार बार। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और थोड़ा सा सामान लेके आना है वाइट वॉश का, वो लेके आऊंगा। तो चलते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। और कायरा को मैंने भेज दिया उसके मामा के साथ, वो पूरा दिन अभी वहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डस्ट है तो वो भी बीमार हो सकती है, इस वजह से उसको हम यहाँ अपने साथ नहीं रख रहे फिलहाल। मैंने कलर भी बढ़िया माल लिया सामान घर के लिए, पेंट वेंट का। A few moments later, हम कायरा को लेने आए हैं, ये रो रही थी, पापा की याद आ रही है। चलो तो गाइस, ये हमारे गली की जान किट्टी। तो गाइस आ गए अपने घर पर, ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर काम हमारा, ये ड्राइंग रूम है, अभी वक्त चल रहा है। मेरी बेटी क्या कर रही है, हैं? बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आई है? कौन से थे बच्चे? काय बच्चे थे? एक देखो गाइस, काय का एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये, तीन बेटियां हैं इसके पास और एक बेटी है। Two hours later. So guys, हो गया है शाम का टाइम 6 बजे का, और थोड़ी देर में सो गया था और सो के अभी उठाऊँ। कायरा यहाँ पर फोन चला रही है,
तो देख लेते हैं कितना वर्क हो गया है आज। और डे 3 चल रहा है हमारा वाइट वॉश का। अच्छा मैनेज करने में लगी हुई है सारे वर्क को अकेले ही, बीमारी में भी। कंप्लीट फिलहाल तो इनकी तरफ से हो गया है, ये बोल रहे हैं कि रूम कंप्लीट इन लोगों ने कर दिया, लेकिन डिसीजन लूंगा मैं। तो ये भैया है हमारे सुरेश भैया, और पीछे खड़े हैं गंगाराम जी बड़बोले। तो मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो गंगाराम जी ने हिला दिया हमारी वॉशिंग मशीन पूरी। तो ये हमारा रूम है, ड्राइंग रूम, तो अभी इनकी तरफ से पूरा कंप्लीट है। और ये वाली जो वॉल है इस पे मैं सोच रहा हूँ इस वाली वॉल पे वॉलपेपर लगवाने की इस बार। तो देखते हैं बाकी डिसीजन कशा और मेरा रहेगा क्या, देखते हैं करवाते हैं। तो हमारा पानी अंदर का काम खत्म हो जाएगा, पेट का तो चल जाएगा। और किसी ने भी वाइट वॉश करवाना हो तो ये है गंगाराम जी और ये है सुरेश भैया। तो हमें कमेंट्स कर सकते हो हमारे चैनल पर। काम बहुत बढ़िया किया है इन लोगों ने। यहाँ कायरा आ गई है, कायरा हमारी जीने पे तो रिक्शा वॉलपेपर वाले से ही बात कर लूं। तो गाइस देख लीजिए हमारा बाहर का नजारा, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पर हमारा। ये है इस ग्रहणी की वजह से। अभी ये हमारा क्वेश्चन है रहा बाहर का आउटर जो हमारा कल होगा। अभी हो जाएगा, हाँ तो गाइस अभी हो जाएगा, ये बोल रहे हैं अभी हो जाएगा। अंदर मेरा वॉलेट होगा, रक्षा देखना लाना। ये थका आ रहा बंदा एक है? ये हमारे ठेकेदार है, ये गाय के ठेकेदार बड़े काम का टाइम पर काम करवाते रहता हूँ। और आप लोगों को कोई जरूरत हो तो ये ठेकेदार संपर्क करें इनसे, गंगाराम जी से। बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया बंदे। खजाने में नंबर आ गया है, खजाने में रात में मैं कह रहा हूँ।
मालिक को खुश नहीं करना है। सही है, ऐसा बंदा होना चाहिए मालिक को जो खुश रखे। ये हमारे इन्होंने हमसे जो जितना ठेका लिया हुआ है ना, उससे आधे में काम कर रहे हैं हमसे, हमारे साथ। और ये बोल रहे थे आपने, आपसे जितने महंगे मैंने पैसे मांगे हैं उनके आधे ही दे देना आप। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है गंगाराम जी, 40,000 की मशीन है, 40,000 की थी, बढ़िया ऑटोमेटिक है ना, तो गाइस मेरे लिए आ गया ये, और अच्छा आएगी वो। वो क्या होगा अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो गाइस ये आया इन लोगों के लिए। देखो गाइस क्या खा रहा है, समोसा खा लो। तो गाइस व्हाइट वॉश वाले भैया हमारे चले गए हैं, उन्होंने आज का वर्क कंप्लीट कर लिया। बाकी बचा हुआ है अभी हमारा जीने का काम, और बाहर का छज्जा अभी वो फिलहाल छोड़ ही गए हैं। यहाँ रक्षा भी चीज़ों को संभालने में लगी हुई है, और कायरा हमारी लगा रही है घर में झाड़ू, देख लीजिए। और इसी बीच जैसे कि हम लोग बात बात करने में लगे हुए थे, तो कायरा ने बिल्कुल हमारी नई सफ़ेदी का देख लो जी क्या हल कर दिया है। कल इस कमरे के अंदर वाइट वॉश हुआ है हमारा, और इसने आज ये देख लो ये कांड कर दिया है। देख लो गाइस, तो कह रहा घर वहां पर किसने कलर करा है, अंदर अंदर किसने कलर करा है? अब कैसे होगा बेटा, ये आपने आज ही कर दिया, खराब कर दिया। हमने तो घर चमकाया और आपने शुरू भी कर दिया। हम तो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपकी हरकतें कैसी हो जाती है बेटी। तो माँ बेटी दोनों झाड़ू लगाने में लगी हुई है। तो गाइस अभी चलता रहेगा ये हमारा काम, काम पे काम छिड़े जा रहा है। और कल इस वाली वॉल पर हमारा लगेगा वॉलपेपर, तो वो भैया आएंगे जैसे भी लगाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उनका नंबर वगैरह जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आपने भी अगर घर में लगवाना हो तो लगवा लेना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। तो फिलहाल इस ब्लॉग का करूँगा मैं यहीं पर ही एंड, मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। कायरा टाटा बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलना।